भाई लो, आज का टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स का क्या मतलब है? जब हम अपने पिछले साल के अकाउंट्स को बंद कर चुके हैं, उनमें हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट हम उनमें तभी तो करेंगे जब हम उस साल में कोई गलती करके आए होंगे, है कि नहीं? आओ पहले ज़रा इस पे ठप्पा लगा दो कि क्या ये बात ठीक लिखी हुई है, क्या ये बात ठीक लिखी है? इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है और डिक्रीज इन कैपिटल को डेबिट किया जाता है। मतलब अगर बिजनेस में मालिक की लगाई हुई कैपिटल बढ़ रही है तो हमने जर्नल एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, और अगर हम बिजनेस में लगाई हुई मालिक की कैपिटल को घटा रहे हैं तो हमने उसकी कैपिटल को डेबिट किया होगा। ऑल एग्री? अब यहाँ पर स्टोरी को समझना ज़रा और मुझे बताना, एक छोटा सा एंगल यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। ये दो बच्चे हैं, एलेक्स और रॉबिन, और ये हैं इनकी मदर। अच्छा, एलेक्स ने अपनी मम्मी से क्या बोला कि मुझे कितनी चॉकलेट्स चाहिए? 140। और रॉबिन ने बोला मुझे कितनी चॉकलेट चाहिए? ये दोनों पागल तो नहीं है शायद? ये 140 मांग रहा है तो ये 210 मांग रहा है, होना क्या चाहिए? या तो दोनों बराबर मांगे, भाई माँ की नज़र में तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या है? अगर इसने 210 मांगी है तो इसको भी 210 ही होनी चाहिए। पर फिलहाल दो मिनट के लिए ऐसा सोच लो, ये बेचारा, इसको ना पता नहीं है कि 140 बड़ा होता है कि 210 बड़ा होता है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो इसने मांगी 140 और इसने मांगी 210। अब ये मदर जब मार्केट जाएगी तो मार्केट से कितनी चॉकलेट्स लेके आनी पड़ेंगी? 350। तो मदर ने 350 चॉकलेट ले तो आई, पर उसने उन्हें बांट कैसे दिया? लो जी, इसको भी कितने दे दिए? 175। और इसे भी कितने दे दी? बताओ क्या गलती हुई है? अरे इक्वल तो दे दे, गलती क्या हुई है? इसको 35 ज्यादा दे दी और इसे 35 कम दी है। अच्छा, अब जब अगले दिन सुबह हुई तो बच्चों ने सोचा चलो चॉकलेट्स को स्कूल लेके जाएंगे, सब यही तो करते हैं, शाम को चीज़ आ जाती है तो उसको स्कूल बैग में रख देते हैं अगले दिन ले जाने के लिए। बैग खोल के देखा तो चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कुछ और था, मांगी कुछ और थी, मिली कुछ और हैं। गलती को मम्मी कैसे ठीक करेगी बताओ? मम्मी एलेक्स के बैग में हाथ डालेंगी, कितनी चॉकलेट्स वापस निकालेंगी? 35 चॉकलेट्स निकालेंगी और उन्हें किसको दे देंगी? एक तरीका तो ये है इस प्रॉब्लम को ठीक करने का, क्या तरीका है? जिसको ज़्यादा दे दी थी उससे वापस ले लो और उसको दे दो जिसको कम दी थी। इसे बोलते हैं कौन सा तरीका? डिफरेंशियल मेथड। कौन सा मेथड? डिफरेंशियल मेथड। कोई और तरीका है इसके अलावा बताओ? एक और तरीका है, सोचो, दोनों के बैग लो और दोनों के बैग को उल्टा कर दो, दोनों के बैग हो जाएंगे खाली, सारी चॉकलेट्स वापस आ गई, कितनी? 350। अब उन्हें उसी तरीके से बांट दो जैसे वो मांगी गई थी। इसे बोलते हैं टोटल मेथड। एक है डिफरेंशियल मेथड और एक है टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करते हैं, हम सारा वापस ले लेते हैं और फिर सारा सही तरीके से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहानी क्लियर है? आओ जरा जरा यहाँ समझने की कोशिश करना। अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं वापस। ये है एक पार्टनरशिप, किसकी? ए और बी की। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, क्या ये ठीक है? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ए की सैलरी, बी की सैलरी और PSR। ओके, GP कितना हुआ? GP यहाँ आया। NP कितना हुआ? NP यहाँ आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए जल्दी बताओ? 10,000। और अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ इनकम बन के आया और यहाँ पर खर्चा बन के आया। बोलो, 80,000 में से 30,000 का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इंटरेस्ट की तरह। लाइन को ढंग से सुनना, 80,000 में से 30,000 का प्रॉफिट इंटरेस्ट की तरह पार्टनर्स में बांटा गया है। अगली लाइन, सैलरी दो 12,000 और 24,000, यहाँ पर इनकम बन के, यहाँ पर लाइन बोलो, 80,000 में से 36,000 का प्रॉफिट सैलरी की तरह मालिकों को दे दिया है।
80,000 में से 14,000 डिविजिबल प्रॉफिट की तरह मालिकों को दे दिया गया है। क्या कोई गलती हुई है? अच्छा, कैपिटल कितनी हो गई है? 1,29,000 एक ही और 2,51,000। अच्छा, ये कैपिटल कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट में। बताओ क्या कोई गलती है? एक बात तो तुम मानोगे ना, ये सब क्या है? दरअसल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, बस उसके नाम दे दिए गए। ये इंटरेस्ट का है, ये सैलरी का है, ये डिविजिबल प्रॉफिट का है, पर बांटा जा रहा तो प्रॉफिट ही है। आओ जरा आगे चलते हैं। सोचो हमारे अकाउंटेंट ने एक गलती कर दी। अच्छा, उसको ये करना चाहिए था, पर हमारे अकाउंटेंट ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ये गलत वाला है, ये वो है जो उसने बनाया है। वो सैलरी देना भूल गया। अगर वो सैलरी देना भूल गया, अगर उसने तीनों आइटम सही से दिए होते तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऐसा बनता, पर उसने क्या गलती की? सैलरी देना भूल गया। तो उसकी गलती का असर देखो कैपिटल अकाउंट पे क्या पड़ा है, ढंग से चेक करो। यहां पर सैलरी नहीं है, यहां सैलरी नजर आ रही है। क्या असर पड़ा है इस गलती का? मोटा मोटा असर, एक ही कैपिटल होनी कितनी चाहिए और एक ही कैपिटल हो कितनी गई है, मतलब क्या गलती हुई है? ए को 6,000 एक्स्ट्रा मिल गए हैं और बी को चेक करो, बी को 6,000 कम मिले हैं। क्या आप में से कोई इस गलती को एक लाइन में बोल सकता है? फुल स्टॉप लास्ट में आना चाहिए। कोई भी गलती को एक्सप्लेन कर सकता है? कितनी सिंपल लाइन मैंने बोली है। कोई गलती को एक्सप्लेन कर सकता है एक लाइन में? सैलरी ना देने की वजह से ए की कैपिटल ज्यादा हो गई और बी की कैपिटल कम हो गई। एब्सोल्युटली यही लाइन है। सैलरी ना देने की वजह से ए की कैपिटल 6,000 रुपए से बढ़ गई है और बी की कैपिटल 6,000 से घट गई है, यही लाइन है। ये गलती ही तो है। अरे गोबर दिमाग को बताओ, यही तो हुआ है, तो स्वीकार क्यों नहीं करते हो तुम इस गलती को? अच्छा, ये वाला बनाना चाहिए था, पर हमने हमारे अकाउंटेंट ने ये वाला बनाया है। अब जैसा उसने किया है उसका असर कैपिटल अकाउंट पे तो आया है। अच्छा, ये गलती तो कर दी। अब ये गलती का ध्यान हमें कब आया? सेकेंड ईयर में हमें इसका ध्यान आया, तो हम सेकेंड ईयर में ही तो इसे ठीक करेंगे। चलो जरा देखते हैं सेकेंड ईयर में हमने क्या किया। आओ अब बताओ मैं यहां पर ऐसी कौन सी एंट्री डालूं कि वो गलती, देखो वो अकाउंट्स मेरे बंद हो चुके हैं, उन अकाउंट्स को मैं दोबारा नहीं छेड़ सकता, अब उन्हें ठीक तो करना पड़ेगा, तो यहां जाके उन्हें कैसे ठीक करोगे? अब बताओ कुछ ऐसा बताओ। रेक्टिफिकेशन का मकसद याद है? 11th में रेक्टिफिकेशन का मतलब होता था, बताओ बताओ, गलत चीज को हटा देना और सही ट्रीटमेंट को बुक्स में ले आना। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब लोगों को लगता है गलत को हटाना, पर पूरा मतलब होता है गलत को हटाना और सही ट्रीटमेंट बुक्स में लाना। दोनों चीजें मिलकर रेक्टिफिकेशन बनाते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूं? ऐसा एक ही कैपिटल 6,000 से कम कर दो। तुमने खुद बोला था कैपिटल डेबिट होकर घटती है, क्रेडिट होकर बढ़ती है, तो और यहां पर बी की कैपिटल को 6,000 से बढ़ा दो। जो आप गलती करके आए थे वो गलती यहां पर ठीक हो गई। सिर्फ इतना सा काम था। हाँ या ना? तन्मय ने अभी एक लाइन बोली थी, उस लाइन को ध्यान रखना, जरा पढ़ना तन्मय की लाइन, इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ध्यान से पढ़ना। हाँ वो मैंने सी गलती से लिख दिया है, ये नहीं है। क्या तन्मय की लाइन इसके अंदर आ रही है? बोलो। ये वही क्वेश्चन है जो आपको बुक में मिलेंगे। इस क्वेश्चन के बेस पर हमने ये एंट्री डाली है। इज इट क्लियर नाउ? पर ये एंट्री आपको डालनी कैसे है, इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं आप इसे एग्जैक्टली ऐसे ही बनाएंगे।
हाँ आप चाहें तो आप अपने स्कूल वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप लोगों को शायद ऊपर क्रेडिट और नीचे डेबिट लिखवाया गया होगा, बट डजेंट मैटर, दोनों ट्रीटमेंट ठीक हैं, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। ठीक है ना, मैं किसी के तरीके को गलत नहीं बता रहा हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। और भी इसके तरीके होते हैं यार, सबके अलग अलग तरीके हैं, तो आप कोई सा भी तरीका फॉलो कर लो, सब ओके है। ठीक है, अब सुन लो टेबल बनेगी कैसे, बताओ गलती को एक बार रिपीट करो सारे मिलके। सैलरी, सैलरी का अमाउंट बताओ अब पहले तुम। सैलरी, सैलरी देनी कितनी थी टोटल? 36,000 रुपये का प्रॉफिट, मेरे साथ बोलना 36,000 रुपये का प्रॉफिट, मेरे साथ बोलना है 36,000 रुपये का प्रॉफिट, जो कि सैलरी की तरह बटना था, सैलरी की तरह ना बटकर प्रॉफिट की तरह बट गया। हाँ या ना? अगर तुम ये 36,000 हटाओगे तो ये 36,000 आके इसमें ही तो ऐड हो जाएगा। देखो मैंने 36,000 को गायब किया तो 36 इसके साथ मिलके कितना बना दिया, इसका मतलब 36,000 जो कि कितना कितना मिलना चाहिए था, 12 और 24। और जब यही 36 इसके अंदर आ जाएगा तो फिर वो कैसे बट जाएगा, 18 18। हाँ या ना? जब ये वाला 36,000 इसके अंदर मिलेगा तो क्या होगा, वो 18 और 18 करके बट जाएगा। तो मुझे अब इस गलती को ठीक करना है। जैसे मम्मी ने चॉकलेट्स वापस ली थी, वैसे ही हम पार्टनर से ये प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो वापस लेने का मतलब डेबिट, मतलब कैपिटल को पहले घटाएंगे। हम पहले उनसे 18,000 और 18,000 वापस ले रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी, मैंने पहले उनसे कितना वापस लिया है, 36,000। ए से कितना लिया, 18। बी से कितना लिया, 18। तो टोटल मेरे पास 36 वापस आ गया। अब यही 36,000 उन लोगों में वापस बांटना भी तो पड़ेगा। कैसे, सैलरी की तरह, अमाउंट टू बी डेबिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब इससे मुझे पता चल गया कि मुझे किस पार्टनर से कितने लेने हैं और किस पार्टनर को कितने देने हैं। तो इसमें क्या निकल रहा है, ए का 6,000 का डेबिट और बी का क्या निकल रहा है, 6,000 का। इसके बेस पर ही एंट्री डालनी है आपको। एंट्री क्लियर है, पहले चेक कर लो एक बार। मैं ये कह रहा था तन्मय जी, ये 36,000, 12 इसको मिलने चाहिए थे और 24 इसे मिलने चाहिए थे। अगर मैं इस 36,000 को यहाँ पर ना बांटूँ तो मैं इसे यहाँ पर बांट दूंगा, तो ये 36 और 14 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 50 ही तो हो गया। तो फिर ये 36 भी तो 18 और 18 में बटेगा ना। तो मैंने वो 18 और 18 पहले वापस लिया और मैंने उसे सही तरीके से वापस दे दिया। फिर पहले वापस लिया और फिर वापस दे दिया, तो मेरे पास क्या बचा, फर्म के पास क्या बचा, 0। जितना लिया उतना ही सही तरीके से वापस बांट दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। इसके अंदर 18,000 और 18,000 सैलरी वाले इंक्लूडेड हैं, तो वो इनसे वापस ले लो और उन्हें 12 और 24 के हिसाब से वापस दे दो। प्रॉब्लम समझ आ गई है? yes, तो सारे क्वेश्चन इसी थीम पे बने हुए हैं। आगे चला जाए, आओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हमारा वर्किंग नोट है, ये हमारा मेन आंसर है। पर इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन टैली कर लो जरा। ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, जरा एक बार वापस आना, मुझे एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है छोटी सी। यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना कमाया था, 80,000 का, इस क्वेश्चन में जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो बट गया। क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमें खाली क्वेश्चन इतना बता दे कि कितना अमाउंट गलत बटा है। उसने बता दिया 36,000 के बारे में बता रखा है। देखो ये रहा 12,000 और 24,000, ये वो हैं जो दोनों गलत बट गए थे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट की डिटेल ना हो तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? yes,
ये आपका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो एक बार। ए बी सी डी चार पार्टनर्स थे, उनका रेशियो क्या था? 2:2:1:1। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और उन्होंने वो प्रॉफिट कैसे बांट दिया था? विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी। ए को कितनी सैलरी मिलनी थी और बी को कितनी सैलरी मिलनी थी? तो देखो, इन्हें ऐसा करना चाहिए था पर इन्होंने ऐसा कर दिया। अकाउंटेंट ने ऐसी एंट्री करनी चाहिए थी और उसने ये वाला काम कर दिया। असर देखो क्या असर पड़ा है। क्या कोई इस लाइन को एक्सप्रेस करेगा अपने शब्दों में? 9 लाख में से 4,20,000 कैसे बटना चाहिए था? सैलरी की तरह। और 4,80,000 कैसे बटना चाहिए था? डिविजिबल प्रॉफिट की तरह। तो गलती क्या हुई है गधों? ऐसे मत बोलो सारा प्रॉफिट गलत नहीं बटा है। ये वाला 4,20,000 इसके अंदर घुस गया। तो लाइन को कैसे बोलोगे? 4,20,000 का प्रॉफिट जो कि सैलरी के नाम का था, वो डिविजिबल प्रॉफिट की तरह रेशियो में बट चुका है। नहीं समझे? तो कैसे ठीक करूं? तो पहले 4,20,000 जो कि यहां चला गया है और यहां पर रेशियो क्या यूज हुआ होगा? 2:2:1:1। तो पहले 4,20,000 को 2:2:1:1 में वापस लेंगे। वापस लेने के बाद 4,20,000 सैलरी की तरह वापस देंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि किस पार्टनर से क्या लेन देन करना है। लेन देन मतलब लेना और देना दोनों की बात हो रही है। नहीं समझे बात को? तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या निकलेगी? अच्छा देखो, ए से कितने लेने हैं और कितने देने हैं, इसका मतलब 40,000 का क्रेडिट निकल रहा है और बी का, तो जर्नल एंट्री बन गई बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू डीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताओ, 20,000, 70,000। क्या कोई बता सकता है नरेशन क्या होगी? सॉरी, बीइंग अबव एडजस्टमेंट। कौन सी अबव एडजस्टमेंट? हाँ, ये लिख सकते हैं। सिंपल सा बताऊं, पार्टनर्स सैलरी अर्लियर ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, बस इतना भी चल जाएगा। नरेशन में कोई ऐसा थोड़ी है कि दो चार गांव लगाने हैं, लिखते जाओ। छोटी से छोटी हो, बस समझ आ जानी चाहिए बस। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है? उस पर आपको क्या क्या मिलेगा? थियोरी फाइल्स और कुछ टेस्ट रहेंगे और जो क्लास का वीडियो होता है वो भी वहीं से मिलेगा।